तो वेब डेवलपमेंट की आज इस क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं HTML का अगर फुल फॉर्म बोले तो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। होता क्या है, क्या करते हैं इससे, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। आप लोग क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर ऐसे बहुत सारे वेबसाइट खोलते होंगे। जैसे मेरी ही वेबसाइट ले लीजिए iptindia.com। इस वेबसाइट को बनाने के लिए क्या चाहिए, क्या आना चाहिए, जो कोडिंग हुई है इस किसी भी वेबसाइट का, अगर आप जाते हैं मोर टूल्स में, डेवलपर टूल्स में, तो ये जो इस तरह के जो लैंग्वेजेस, इस तरह का कोडिंग आता है, क्या है ये कोडिंग, इसी को हम लोग करते हैं HTML की कोडिंग। किसी भी वेब पेज को बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत पड़ता है HTML। देखिए इसके लिए और भी, जैसे CSS भी है आपका, JavaScript भी है, PHP भी है, और भी बहुत सारे है, लेकिन जो बेस है, जो मेन है, मेन स्ट्रक्चर, इसको प्लॉट कह सकते हैं या जमीन कह सकते हैं, वो HTML है। HTML जो है उसके वजह से हम जो है एक स्टैटिक वेब पेज बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, सिर्फ HTML से हम एक स्टैटिक वेब पेज बना सकते हैं। अब स्टैटिक्स ही क्यों बोल रहा हूँ, स्टैटिक्स की जगह पे क्या होते हैं, देखिए वेबसाइट दो तरह का होता है, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक। एस्थेटिक्स जहाँ पे आप सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरी जो वेबसाइट है मुझे सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा है। यहाँ पे हम इस क्लिक करके हम अपनी इंफॉर्मेशन को ले रहे हैं। यूजर के दिया हुआ किसी तरह का इनपुट या उसकी वैलिडेशन वगैरह नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि एस्थेटिक वेबसाइट है, इसमें एक तरह से ब्राउजर कहिए, जैसे किताब कहिए, एक तरह से कुछ भी कहिए, एक डिजिटल है जहां मेरी दी गई सारी इंफॉर्मेशन आपको रिसीव होगा। तो स्टैटिक्स क्या होता है, स्टैटिक्स होता है जहां पे आप लॉगिन करते हैं, जैसे मैंने अपना क्लास प्लस ऐप डॉट लॉगिन किया, यहां पे मेरी खुद की लॉगिन वेबसाइट है जहां पे हम खुद चैट्स वगैरह यूज करते हैं, मतलब कि हम एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, गूगल हो, जीमेल हो गया, ऐसे जो वेबसाइट्स हैं जो सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं, मेरे इनपुट को भी लेते हैं, उसको प्रोसेस करके उसको आउटपुट करते हैं, उसको हम लोग डायनेमिक वेबसाइट कहते हैं। तो वेबसाइट दो तरह के होते हैं, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक। एस्थेटिक वेबसाइट सिर्फ आप जो है उसकी उसकी इंफॉर्मेशन आप सिर्फ देख सकते हैं बस, और डायनेमिक क्या होता है कि आप उसमें अपना इनपुट डाल सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स में डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट मिलता है आपको, तो उसको हम डायनेमिक कहते हैं। तो एस्टीमल की यूज करके जस्ट आप अपना डायनेमिक वेबसाइट भी, सॉरी एस्थेटिक्स वेबसाइट बना सकते हैं डायनेमिक। तो कैसे बनता है वेब पेज, तो सबसे पहले वो चीज़ मैं दिखा देता हूँ, फिर मैं बाकी डिटेल्स पे जाऊँगा। तो उसके लिए आपको चाहिए नोट पैड। जी हाँ, वेबसाइट बनाने का जो हमारा होता है वो नोट पैड पर ही हम लोग वेबसाइट बनाते हैं, HTML की कोडिंग करते हैं। हमने शुरुआत की बेसिक कंप्यूटर बताया था कि नोट पैड सिर्फ अनफॉर्मेटेड डेटा सेव करने के लिए नहीं, बहुत सारे प्रोग्रामिंग करने के लिए भी यूज की जाती है, उसी में से एक है आपका HTML। तो कैसे करेंगे, तो HTML के लिए आपका यूज होता है, ए जो आप देख रहे हैं इसमें लेस देन और ग्रेटर देन देते हैं, इसी कोड के अंदर सारा कोडिंग लिखा जाता है। जैसे कि सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे HTML और इसको क्लोज करना है, फिर वापस जो इसको हम लोग टैग कहते हैं, जो टैग स्टार्ट होता है वो टैग आपका क्लोज भी होता है। तो HTML स्टार्ट हुआ, HTML क्लोज हुआ, उसके बाद यहाँ पे हेडर बोलते हैं और फिर हेड को क्लोज भी हमने यहाँ पे किया। हेड के अंदर हमारा टाइटल होता है, तो यहाँ पे हम टाइटल स्टार्ट किया, टाइटल लिख दीजिए द फर्स्ट वेब पेज और टाइटल हमने क्लोज किया, टाइटल को क्लोज कर दिया। उसके बाद यहां पे आता है आपका बॉडी,
वर्डी स्टार्ट हुआ एंड वर्डी को भी हम क्लोज कर देंगे। तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है। देखिए किसी भी वेबसाइट ओपन करते हैं, आईपीटी इंडिया को देख लीजिए, हमने इसको ओपन किया हुआ है, तो ये जो हुआ आपका टाइटल हुआ, क्या हुआ? टाइटल हुआ। और ये जो लिखा हुआ चीजें दिख रहा है, ये बॉडी के अंदर जो चीजें लिखी होती है सो प्रेजेंट की जाती है। जो टाइटल ऊपर दिख रहा है एक्सेल एडवांस एक्सेल स्कूल, वो यहाँ पे जो लिखा हुआ होता है वो शो करता है टाइटल। और हेडिंग के अंदर में इसके अंदर और भी जो एलिमेंट होते हैं उसको कॉल करने के लिए हेड का यूज होता है, और बॉडी के अंदर में जो होता है आपका पूरा का पूरा बॉडी यूज होता है। तो सिंपल सी बात समझिए कि HTML आपका सबसे पहला टैग है, HTML के अंदर में आपके सारे टैग आते हैं, तो और टाइटल टैग आपके हेडर के अंदर में आता है, हेड टैग के अंदर में होता है। हेड टैग के अंदर में टाइटल और बॉडी HTML के अंदर में आता है। तो HTML के अंदर में दो टैग आया, हेड और बॉडी। अब यहां पे कुछ भी लिखते हैं, हमारे यहां पे लिख दिए हेलो वर्ल्ड, ओके। तो अब इसको क्या करना है, हमको यहां पे सेव करना है। सेव करते समय ध्यान रखिएगा कि आप जो भी नाम दें उसमें HTML जरूर लगाएं। इसका एक्सटेंशन होता है one.html। अगर आपने नहीं लगाया तो डायरेक्टली ये txt फॉर्मेट में सेव हो जाएगा, मतलब कि नोटपैड की फाइल में सेव हो जाएगा। अगर HTML करेंगे तब जाके वो पेज में सेव होगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा वन नाम का यानी बना है, एक मिनट लोकेशन, तो HTML का जो साइड है जो दिखेगा। अब जैसे मेरा डिफॉल्ट ब्राउजर जो है वो क्रोम है। हमने बेसिक में बताया था कि आप अपने इंटरनेट का डिफॉल्ट ब्राउजर सेट कर सकते हो। अगर आपका डिफॉल्ट ब्राउजर सेट नहीं हुआ तो यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो इंटरनेट का साइन होता है ना, इस तरह का साइन आपका इंटरनेट का साइन हो, ये आपका। अब मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करता हूं, तो देखिए द फर्स्ट वेब पेज टाइटल आ गया एंड हेलो वर्ल्ड। मतलब कि अब हम इसके अंदर कुछ भी कोडिंग करेंगे आपका वेब पेज पे दिखेगा। जैसे हेलो वर्ल्ड हम यहां लिख देते हैं, दिस इज एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग। अभी नहीं शो रहा है, शो कब होगा? जब आप इस नोटपैड की फाइल को सेव करेंगे, देन इसको रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के लिए आप इस पे क्लिक करें या फिर F5 का यूज करें। अब आ गया, चेंज हो गया। मतलब ये जो आपका हो गया, ये वेब आपका वेब पेज हो गया जो कि वेब ब्राउजर पे खुला हुआ है, ये आपका सोर्स कोड हो गया। जो भी कोडिंग करेंगे वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। हर वेबसाइट जितना भी आप खोलते हैं सभी इसी तरह का यूज होता है, एक सोर्स कोड होता है। सोर्स कोड में जो भी कोडिंग करते हैं बाहर वेब पेज भी उसी तरह का दिखता है। अब वेब पेज पे देखने के लिए उसी फाइल को हमें, देखिए जब भी इंटरनेट की फाइल दो तरह खुलेगी, एक तरह खुलेगा आपका जो है HTML फाइल वेब ब्राउजर पे, चाहे क्रोम पे खोलिए, मोजिला खोलिए, इंटरनेट पर खोलिए, दूसरा उसको नोट पैड पे खोलना होता है, इसको हम एडिट मोड कहते हैं, जहां आप कुछ एडिटिंग कर सकते हैं। तो वेब पेज ये होता है। अब इसमें हम इस बॉडी के अंदर जो भी प्रोग्रामिंग कर, जो भी कोड लिखेंगे, जैसी फॉर्मेटिंग के लिए अप्लाई करेंगे, वो यहाँ पे आपको अंतर जाएगा। बट यहाँ पे सिर्फ आप टाइप करते चले जाएंगे तो सिर्फ वहाँ टाइप दिख जाएगा, कलर वलर फॉर्मेटिंग से करना है तो फिर उसके लिए फिर आपको उसकी सारे कोड स्क्रिप्टिंग को टैग को इस्तेमाल करना होगा, तो टैग उसको हम लोग बोलते हैं। अब बात करते हैं कि हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, टेक्स्ट विद इन द टेक्स्ट, क्योंकि HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो उसमें हाइपर टेक्स्ट अलग है, मार्कअप लैंग्वेज अलग है। तो हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट, और मार्कअप लैंग्वेज का मतलब होता है लेआउट एंड फॉर्मेटिंग। तो HTML में ऐसा नहीं कि सिर्फ टेक्स्ट ही, हम फॉर्मेटिंग वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी वेबसाइट में हमने अच्छी तरह से फॉर्मेट कर रखे हैं, इमेजेस वगैरह और डिजाइन कर रखे हैं, तो इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। और HTML के साथ जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो होता है CSS। HTML जो है दो कंपोनेंट्स, HTML वेबसाइट जो है तीन चीज़ों से बनता है। पहला आपका HTML कोडिंग जो सबसे बेस है,
दूसरा है CSS जो कि इस तरह की फॉर्मेटिंग या लेआउट तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और तीसरा जो आपका आता है वो आता है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि स्लाइडिंग हो रहा है, एक कलर जाते कलर चेंज हो रहा है ना, इस तरह की जो स्क्रिप्ट इस पे क्लिक करते कलर का चेंज हो रहा है, ये सब जावास्क्रिप्ट से यूज किया जावास्क्रिप्ट। तो तीनों को आप वो पढ़ेंगे तो आप स्टैटिक्स वेबसाइट बना सकते हैं। फिर डायनेमिक वेबसाइट के लिए फिर आगे आपको PHP आपको C#, ऐसे सॉफ्टवेयर को सीखना होगा, लेकिन वो सब तभी वर्क करेगा जब आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट आता हो। तो HTML में बात करते हैं, HTML में क्या होता है, बाइंडिंग ब्लॉक्स। अब बात करते हैं HTML की बाइंडिंग ब्लॉक्स के बारे में, मतलब कि क्या होता है। तो आपने देखा कि हमने बना लिया, अब यहाँ पे हम एक काम और कर सकते हैं, जैसे कि मुझे अगर इसको थोड़ा सा अच्छा दिखाना है तो सबसे पहला होता है H1 कोड, इसको हम लोग हेडिंग वन करते हैं, हेडिंग वन, और जो भी लिखेंगे उसको हमें क्लोज करना होगा। क्लोज करना कैसे होता है दिख गया आपको, हमने इसको स्टार्ट किया और इससे हमने क्लोज किया, तो इन दोनों के बीच में जो भी लाइन होगा वो जो जो टैग, इसको बोलते हैं लोग टैग, जो टैग है वो टैग इंप्लीमेंट होगा उसी के बीच में होगा। तो हमने H1 लिख दिया और हमने इसको जब सेव करते हैं, इसको यहां से हम कंट्रोल एस कर दीजिए या सेव कीजिए, जब इसको हम रन करेंगे तो देखिए बड़ा हो गया। अब लोग साइज कैसे ले लिया, तो H1 कोड में फिक्स होता है साइज, उस साइज से ले जाए। अब H1 कोड के जगह पे अगर मान लीजिए हम H2 कोड करते हैं, H2, H3, H4, जैसे जैसे नंबर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इसका साइज कम होते जाएगा। अब मान लीजिए H1 के जगह पे हमने H2 ले लिया, क्या ले लिया, H2। अब इसको जैसे हम सेव करते हैं कंट्रोल एस और इसको रन करते हैं तो देखिए इससे छोटा है लेकिन नॉर्मल से बड़ा है। अगर आप नॉर्मल देखें, अगर आप बिना किसी टैग H1 टैग का लगाते हैं तो आपका क्या साइज होगा, ये साइज होगा, इससे बड़ा है। ऐसे H3 करेंगे तो उससे छोटा होगा, H4 करेंगे तो उससे छोटा होगा, H3 कर देता हूं मैं यहाँ पे H3। अब H3 देखेंगे तो यहाँ पे H3, अब मैं इसको सेव करता हूं और यहां से रिप्लेस करता हूं, यहां देखिए इसे छोटा है। तो जैसे नंबरिंग बढ़ाते जाएंगे उसे छोटा होगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर मैं दिस इज अ ट्रेनिंग लिख दिया, मैं एक बार और यहाँ पे नीचे नीचे हमने एक चीज ध्यान रखिएगा, नीचे हमने यहाँ पे रख दिया तो क्या लग रहा है कि जैसे हमने यहाँ पे नोट पैड में नीचे डाल दिया ऐसे यहाँ वेब पेज भी नीचे आएगा, जी नहीं आएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे टैग लगाना पड़ेगा तभी होगा। देखिए यहाँ पे साइड में आ गया, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या कर रहे हो कैसे लिखे उस मतलब नहीं, उस इस टैग को समझता है, जो टैग दिख रहा है ना इस टैग को स्टडी करता है, उसी हिसाब से करता है। तो आपको लाइन अगर नीचे करना है तो आपको पी टैग यूज करना होगा, इसको बोलते हैं पैराग्राफ टैग। पी टैग कर दिया आप यहाँ पे नीचे, इसको मैं सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो पी टैग से नीचे आ गया। तो पैराग्राफ टैग से हम नीचे इसको लेके आते हैं, ओके। तो टैग, अब बात करते हैं टैग होता क्या है। अब टैग की डायग्राम को समझते हैं कि टैग का डायग्राम क्या है। तो टैग जो होता है, सबसे पहला जो हमारा होता है वो होता है एलिमेंट। क्या होता है, एलिमेंट। एलिमेंट के बेसिकली तीन पार्ट होते हैं, एक पार्ट, दूसरा और तीसरा। तो ए जो होता है, पहला हो गया आपका मान लीजिए टैग, इसके अंदर आपने टैग दिया। उसके बाद ये आता है आपका कंटेन, जो कि आप लिखेंगे, जैसे कि आपने यहाँ इस पे देखा कि हमने टैग लाया लिखा। और दूसरा होता है क्लोज, जिसको हम लोग क्लोज करते हैं, ठीक है, क्लोजिंग। तो पहले में से आपने मान लीजिए पी टैग लगा दिया, तो पी टैग के बाद पी टैग लगा दिया, तो इसमें आपको कुछ देना है, जैसे पी टैग में क्लास आप दे देते हैं, ठीक है ना, और क्लास की वैल्यू दे दे कुछ भी। तो ये सारा जो है, ये सारा एलिमेंट कहलाता है। एलिमेंट के तीन पार्ट होता है, पहला आपका टैग, फिर यहाँ पे आप उसको कॉल करेंगे, क्लास को कॉल करेंगे, या एट्रीब्यूट इसको कहते हैं, एट्रीब्यूट को कॉल करेंगे, यहाँ पे एट्रीब्यूट की वैल्यू देंगे।
तो ये चीजें आप बोलेंगे सर मैंने तो कुछ ऐसा किया नहीं, लेकिन ये चीजें इस्तेमाल होती है आगे जब सीखेंगे, जब सीएसएस वगैरह को कॉल करेंगे तो सीएसएस वगैरह को यूज करेंगे तब पता चलेगा कि ये एलिमेंट वगैरह कैसे कॉल किए जाती है। सिंपल में इसका कोई ये नहीं होता। जैसे कि अगर मैं यहीं पे पी में लगा देता हूँ स्टाइल, स्टाइल स्टाइल इक्वल टू इन्वर्टर कोमा में कलर, और यहां पे हमने रेड दे दिया, तो ये क्या होगा, यहां हमने पैराग्राफ को क्लोज कर दिया। अब जैसे इसको हम सेव करते हैं और इसको रन करते हैं तो ये देखिए कि जहां पे टैग लगा था इसके नीचे का जो है कलर रेड हो गया। तो पैराग्राफ में आप अब जैसे पैराग्राफ में दे सकते हैं, जरूरी नहीं है पैराग्राफ में देना, आप इसको हेडिंग भी दे सकते हैं। तो टैग, उसके बाद एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट की वैल्यू, अब इसको एक बार प्रेस कीजिए और यहां से इसको यहां रेड हो गया। तो जो भी टैग लगाएंगे उसमें अपना एट्रीब्यूट हम दे सकते हैं। अब मान लीजिए कि मुझे ना यहां पे मान लीजिए मैं पी टैग पहले से लगा चुका हूं सिंपल पी टैग, और यहां पे हमने अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट है, कोई वैल्यू पहले से ले लिया, जैसे मान लीजिए हम इसको ले लिया, इस पे मुझे ले लिया हमने पहले से मान लीजिए यहाँ पे, अब मुझे इस पे जो है कोई टैग चलाना है, इस पे मुझे कलर चलाना है, लेकिन कोई और नहीं करना चाहते हम, कुछ और चीज नहीं अप्लाई करना चाहते, तो इस पे यूज करते हैं स्पैन। स्पैन, स्पैन जैसे कि कोई आपको कोई स्टाइल है, कोई चीजें यूज करनी हो, जैसे स्पैन में हमें स्टाइल एंड कलर कर लेते हैं यहाँ से। एसपेन क्या करेगा, आपको वैल्यू को और कोई चेंजिंग नहीं करेगा, जो यहाँ पे एट्रीब्यूट दिया गया है ना सिर्फ उसी को चेंज करेगा, बाकी को चेंज नहीं करेगा, वो हम एसपेन में यूज करते हैं। ओके, एसपेन का यूज इसीलिए करते हैं। इसको हम एक सेव करते हैं और यहाँ पे F5 कीजिए, आ गया। तो इस पे और कुछ नहीं हुआ। अब जैसे कि स्पेन का यूज क्यों हुआ, कि आपको सिर्फ एट्रीब्यूट इस्तेमाल करने हैं, बाकी कुछ, क्योंकि आपने हेडिंग में हेडिंग के साथ दिया तो साइज बड़ा कर देगा, बोल्ड कर देगा, आपने पी के साथ दिया तो पैराग्राफ दे देगा, लेकिन ना मुझे पैराग्राफ देना है, ना मुझे बोल्ड करना है, ना मुझे लिमिट ले जाना है, मुझे जस्ट कलर चेंज करना है या कलर की स्टाइल अप्लाई करनी है, तो हम स्पैन का यूज करते हैं। अब इसकी मदद से आप क्या करें कि कोई वेब पेज बना जिसमें हेडिंग दे, कि हेडिंग दे सकते हैं, सेकेंडरी हेडिंग दे, पैराग्राफ को लिखे, कलर को चेंज करें, कई सारे पैराग्राफ टाइप करें और एक वेब पेज बनाने की कोशिश करें। फिर अगली क्लास में हम आपको इसमें और ज़्यादा क्या क्या टैग है आपको बताएंगे। बस इसमें HTML में जो टैग है इसी टैग को याद करना होगा कि कौन सा टैग किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये टैग याद हो गया तो आप HTML को सीख जाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में HTML की अगले कंसेप्ट के साथ।